नवंबर 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तो बाद हुए सिख कतलेआम 32 साल के लंबे समय बाद भी इंसाफ ना मिलने के चलते सिख भाईचारे का विश्वास भारतीय सरकार को उठ चुका है। यही कारण है कि हुण सिख भाईचारा इंटरनेशनल लैवल से इंसाफ लई गुहार लगाउण नूं मजबूर है। सिख कतलेआम नूं याद करते हुए 3 नवंबर नूं मोगा विच नसलकुशी यादगारी मार्च कढ़िया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट UNO नूं भी भेजी जाएगी। यह जानकारी ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान करनैल सिंह पीर मुहम्मद अते दल खालसा के आगू कंवरपाल सिंह ने पत्रकारों नूं दिती है। उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार बनती है वह सिखां नूं इंसाफ देने की बजाय मुआवजा देने की गल करती है, जबकि इस घटना नूं मुआवजा कभी इंसाफ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा है कि हुण उन्हां दा भारत दीआं सरकारां तों विश्वास हो चुका है, इसलिए वह इस मामले को UNO तक लेके जाएंगे। अज तो 32 साल पहला सिख कौम की नसलकुशी की गई, जिन्हों दिल्ली दंगों का नाम दिता गया। वो दंगे नहीं सन, सिखा का कतलेआम से। 32 साल बीत गए ने, सिख कौम को इंसाफ नहीं मिलिया। सिख कौम दिया बहुत सारिया जथेबंदियों वालों संघर्ष लड़िया जा रहा, इंटरनेशनल पद्धर के उपर भी और देश के अंदर भी। दल खालसा ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन, सिख यूथ ऑफ पंजाब वालों इस संघर्ष को होर तेज करने वास्ते 3 नवंबर को मोगे के शाम को एक रोस मार्च कढ़िया जाएगा, कैंडल विजन होगा और दुनिया को दसिया जाएगा कि दंगे नहीं सन, सिखा की नसलकुशी सी और 32 साल हो गए ने सिख कौम को इंसाफ नहीं मिलिया। इस दे विच बहुत सारे पीड़ित परिवार, विधवावां और सिख कौम के समर्थक लोग वड्डी गिनती दे विच शामिल होणगे। और उस तो बाद असी आउंदे हफ्ते संयुक्त राष्ट्र नूं एक मेमोरेंडम भी देन जा रहे हैं, जिस दे विच मांग की जाएगी कि सिखां दी नसलकुशी हुई है, इंडिया दे विच इंसाफ नहीं होया। सो इंसाफ देने लई जिहड़ी इंटरनेशनल लॉ है उन्दे मुताबक कातलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, सज्जन कुमार तमाम दोषी ने अज भी कानून की गिरफ्त तो बाहर ने। अज 32 वरे बीत गए ने, दुनिया ने उस तरह अपनी अखा बंद कर रखिया ने। असी संयुक्त राष्ट्र नूं अपील करते हैं कि वो जिमें उन्हें श्रीलंका के जोड़ा कतलेआम होया उस दखलअंदाजी की है, उमें ही वो दिल्ली कतलेआम के भी अपनी दखलअंदाजी करे। और भारत के जेडे जिन्हों राजनीतिक लोगों ने इसकी साजिश रची, जिन्हों हथियार ने बेगुनाह लोगों को मारिया वैशी ढंग के नाल, उन्होंने सजावं दवा दे सिखां की मदद कर। मोगा तो ब्यूरो रिपोर्ट, खबर हेल्पल इंडिया लिए।